नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। राहत भरी खबर इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी पर अब सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत अर्जी दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में कभी दाखिल ही नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही करार दिया था। आज दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान जब ये मुद्दा कोर्ट में उठा तब कोर्ट ने कहा कि लगता है कि इस मामले में सुनवाई में लंबा समय लगेगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में तो 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। तब अदालत ने कहा कि क्यों ना अंतरिम जमानत अर्जी पर पहले विचार किया जाए, जिस पर ईडी की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई। कहा गया कि अंतरिम जमानत का तो मामला ही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पूरे मामले की सुनवाई में लंबा वक्त लग रहा है, लिहाजा हम अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे, यानी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। मंगलवार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, इसके अलावा ईडी के वकील वी राजू से यह पूछा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है अंतरिम जमानत, तो उसकी शर्तें क्या कुछ होंगी। दूसरी अहम बात, ईडी को अदालत में ये बताना है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर, यानी इस समय जब तिहाड़ जेल में है, तो क्या वो सरकारी फाइलों पर साइन कर सकते हैं, किस तरह से सरकार को संभाल सकते हैं, इस बाबत भी जवाब देना है। इन दो विषयों पर मंगलवार से पहले जवाब देना है और मंगलवार को ठीक सुबह यानी 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 25 मई को दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 23 मई तक ही केवल प्रचार होता है और 23 मार्च उसके बाद 48 घंटों का जो होगा वो साइलेंट पीरियड होगा। लिहाजा अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से तो कितने दिनों की मिलती है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को भी साफ किया कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम मंगलवार को सुनवाई कर रहे हैं। यानी इंतजार मंगलवार को करना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तब देखना यह होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।